देखिए लोकसभा चुनाव के साथ ही अब यहां पर कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच घोषणा पत्र समिति का गठन भी कांग्रेस ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। इसी बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति की एक कमेटी बनाई है। कांग्रेस महासचिव की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कमेटी का नेतृत्व पी चिदम्बरम करेंगे। टीएस सिंहदेव को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, शशि थरूर जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में आनंद शर्मा, जयराम रमेश, गाय खंगम, गौरव गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाड़ी और गुरदीप संबल के नाम भी शामिल किए गए हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग के बाद से कांग्रेस एक्शन मोड में है। आगामी चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में पार्टी के नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की थी। बिहार में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सीएम बनाने को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह की मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव बेटे को सीएम बनाने को लेकर चिंतित हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं की हमेशा से रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार खुले मंच से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता चुके हैं। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने चुटकी ली है। गिरिराज दावा कर रहे हैं कि लालू जब फ्लाइट में मिले तो तेजस्वी को सीएम बनाने की उनसे मंशा को जाहिर किया। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। गुरुवार को लालू यादव, गिरिराज सिंह, तेजस्वी एक ही हवाई जहाज से दिल्ली से पटना लौटे हैं। लालू के मुलाकात के बाद से गिरिराज सिंह के बयान से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। नीतीश खेमे में हलचल देखी जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को हवाई बताया है। गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट पर, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे, तो बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते समय जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।